हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आती है और आसानी से बन जाती है। और ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे से। संडे लंच में मैंने ये रेसिपी बनाई थी और मंडे तक कंटिन्यू करूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने लोहे की जो कढ़ाई है उसी में थोड़ा सा बटर लिया। थोड़े थोड़े बैचेस में बटर में बनाऊंगी, पूरी रेसिपी बटर में ही अच्छी लगेगी। तो मैंने बटर थोड़ा गर्म हो गया था, उसके बाद उसमें डाल दिया है मैंने प्याज। और इसमें आप बहुत सारी वेजीज डाल सकते हो। मेरे पास ब्रोकली रखी थी, तो पहले मैं सॉटेड वेजिटेबल बनाने वाली थी, बट फिर मैंने राइस भी कर लिया ताकि एक अच्छा सा लंच हो जाएगा। पहले मैं इवनिंग स्नैक्स में सॉटेड वेजिटेबल बनाने वाली थी, बट चलो लंच ही बना लेते हैं। तो प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। और प्याज इस तरीके से जब कढ़ाई में आप फैला देते हो ना, तो जो लोहे की कढ़ाई है उस पर कुछ भी नहीं चिपकता है। तो वो कर लिया मैंने, हल्के से पिंक कलर के हो गए थे प्याज। उसके बाद ये छोटे छोटे मैंने जो ब्रोकली काटे हुए थे ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसको चला करके थोड़ा सा ढक करके मैं पकाऊंगी। और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, बहुत ही हल्के से वही नमक, ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, हर्ब्स, ये सब चीज़ें जाएंगे। तो ये बहुत हैवी नहीं रहता है और टेस्टी भी लगता है, बट बहुत लाइट रहता है। तो यहाँ पर मैंने नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाला है, जितना कि ब्रोकली के लिए मुझे चाहिए। सब चीज़ें मैं दो तीन बैचेस में करूँगी, अब आप धीरे धीरे देखते जाना। रेसिपी बहुत ईजी है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो इसको ढक करके अब मैं थोड़ी देर सॉफ्ट होने तक, ताकि ब्रोकली जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने छोटी छोटी काटी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बस एक दो मिनट के लिए स्टीम में ये ब्रोकली और प्याज दोनों जो है वो अच्छे से गल गए थे। और ढकने से थोड़ा सा जो मॉइस्चर रिलीज हुआ था उसको ओपन में करके ड्राई कर लूँगी, और अगेन थोड़ा सा और पक जाएगा, तो एक दो मिनट में हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये जो ब्रोकली है इसको अलग निकाल लिया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके एक ही उसमें भी बना सकते हो, बट मैं थोड़ा सा सब चीज़ों को अलग अलग रख रही थी ताकि रेसिपी जो है ना वो एकदम खिचड़ी जैसी ना बन जाए, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ा सा बटर लिया है, और अब मैं इसमें राइस को पहले थोड़ा सा फ्राई करूँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी। आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या राइस थोड़े ज़्यादा थे ना, तो मुझे लग रहा था कि एकदम ही, और थोड़े से राइस थोड़े ओवर कुक किए थे मैंने यश के हिसाब से। यश का भी खाना मैंने इसी से बनाया था, तो इसलिए थोड़े ओवर कुक किए थे। तो अब मैंने वही बटर गरम किया, और सेम प्रोसेस के साथ में मैं इसमें जो भी राइस हैं कुक, मतलब पहले से कुक्ड राइस हैं, तो बस इनको हल्का सा मुझे इसमें सॉटे करना है। अब चावल थोड़े से मैंने एक दो मिनट ऐसे चला करके फ्लेवर्ड कर लिए थे बटर के साथ में। देन फिर मैंने इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, जो कि पिज़्ज़ा के साथ में आते हैं ना, वही वाला था पाउच मेरे पास, तो वही डाल दिया। मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करना है ताकि चावल जो है ना वो पूरे फ्लेवरफुल हो जाए, क्योंकि वेजीज़ में थोड़ा कम फ्लेवर भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। ब्रोकली मतलब मेनली अच्छी लगती है, बट चावल जो फीके अच्छे नहीं लगेंगे। और मैंने इसमें नमक वगैरह पहले से डाल करके कुक नहीं किया था, तो इसलिए मैंने चावल को पहले अच्छे से फ्लेवर कर लिया है सारी चीज़ें डाल के। फिर थोड़ा सा और बटर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने ये जो ब्रोकली और प्याज थे वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब यहाँ पर आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ थी ना, वो सब आप एक साथ प्रोसेस करके इस तरीके से इसमें डाल सकते हो। और जैसे आपके पास अगर यश वाला केस नहीं है कि भाई आपको अलग से कुछ निकालना है, तो पहले ही चावल को थोड़ा फ्लेवर करके आप पका, मतलब नमक वगैरह डालकर पका सकते हो, तो एक बार में भी बन जाएगा। अब अगेन मैंने ये सारी चीज़ों को मिक्स किया और फिर दो मिनट थोड़ा सा पकने दिया, ताकि सब्जियों में भी सारे जो हमने नमक वगैरह डाला है वो अच्छे से हो जाए और हर्ब्स वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए, सब चीज़ें आपस में मिक्स होकर पुट टुगेदर हो जाएँ। देन फिर ये दो तीन मिनट पक गए। अब इसके अंदर ये मैंने, मेरे पास डाइस्ड चीज़ है जो मोज़रेला का आता है ना, अमूल वाला, वही लिया है मैंने। तो एक कटोरी ले लिया है, ज़्यादा नहीं है, जितने चावल और सब्ज़ी उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही मैंने जस्ट फ्लेवर के लिए डाले। स्किप भी कर दोगे तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा हम लोगों ने खाने के बाद रियलाइज़ किया, बट मैंने थोड़ा सा आरव भी था तो उसके हिसाब से थोड़े से डाल दिए थे। तो बस अब चीज़ जब मेल्ट हो गया, बस दैट्स इट, और क्या करना है। उसके बाद गैस बंद करो और इसे सर्व कर लो। बहुत ही टेस्टी था, और चीज़ से थोड़ा सा अलग फ्लेवर आ गया था। इसके ऊपर थोड़े से सेव डालकर खा सकते हो, या फिर अपनी प्लेट में सर्व करके ऊपर से चीज़ डाल सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। बट बनाना ज़रूर, बहुत लाइट और बहुत टेस्टी लग रहा था ये, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया है, क्योंकि ना इसमें जो भी राइस, सब्जी, मसाले, सब चीज़ों का अलग अलग एक फ्लेवर आ रहा था। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं था, और बहुत ज़्यादा जो हम लोग रेगुलर अपनी सब्जी वगैरह, तो यहाँ पर आ रहा यश जो है ना वो मेरी वॉइस ओवर के साथ वो भी बातें कर रहा है, इसलिए आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, मसालेदार नहीं थी, लाइट थी बट टेस्टी थी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना और देख करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है देखने में। बहुत ही अच्छा, कलरफुल भी है, बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे। आप अपने बच्चों को टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हो, और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है, और ज़रूर ट्राई करना। कमेंट करके बताना अगर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो। और ये देखो इसमें चीज़ पुल कितना बढ़िया आ रहा था। Baby, you.
तो अब चलिए यश की बदमाशी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा कांड जो आप देख रहे हो ये यश ने ही किया है, और वो साथ में हाई चेयर पर बैठा था बट जैसे तैसे चढ़कर डाइनिंग टेबल पे, और यश की जो मैट थी ना टेबल मैट वो खींच दी और पूरा बोल इस तरीके से टूट गया। द नेक्स्ट डे तो आज मैं इसे देने वाली हूँ कीवी। ये है वो कीवी, कट करके छील करके इसको दूंगी। और ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, तो पहले मैं यश को ये खिला देती हूँ, फिर इसका रिएक्शन और भी बाकी की बातें जो मुझे कमेंट किया था शैला जी ने, उसके बारे में भी बात करूंगी। यश कीवी खा रहा है। यश को कीवी अच्छा लगता है। यश को एक आंटी ने बोला था कि यश को कीवी खिला दो। थैंक यू आंटी, आपने तो टेस्टी टेस्टी फ्रूट खाने को बोला। वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ निधि, और ये मेरा प्यारा गोलू मोलू यशु। तो आज क्या है, आज इसका वैक्सीनेशन होने वाला है जो कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद लगता है, जिसमें कि एक मीजल्स का भी वैक्सीन है और भी कुछ कुछ है जो मैं आ करके आपको बताऊंगी, मुझे ऐसे याद नहीं है। तो ये देखो अभी इस तरीके से उतर जाता है, है ना? हाँ, ये उतर जाता है इसे। तो इसकी थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। इसके जो दांत है ना वो निकल रहे हैं, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि 2 दांत तो निकल चुके हैं बाहर, पॉपअप हो चुके हैं, बट पूरी तरीके से ऐसे नहीं निकले हैं। एक मिनट, हाँ तो बाहर चला गया यशु। तो मैं वही बताई थी कि इसके दांत पूरी तरीके से अभी निकले नहीं है, मतलब ये है कि प्रोसेस चालू हो गया, डे बाई डे वो पूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं। आरव चिल्लाओ नहीं, उसके साथ खेलो बेटा। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैं दांत के बारे में बताई थी कि इसके दांत जो है ना वो निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको शायद पेन हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, बट ये कल रात से पूरा सोए, कल रात नहीं कल पूरा दिन नहीं सोया है। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी अपडेट की थी कि मैं वीडियो शेयर करूंगी एडिट करके 3 बजे तक, बट वो अभी तक एडिट हो चुका है, मैंने सुबह उठकर एडिट किया था, बट बाकी का कुछ उसमें अभी हो नहीं पाया। तो वीडियो में भी 11 बजे तक मैंने सोचा था, तो शायद 11 बजे तक आज चली जाएगी, बट कल कुछ भी काम नहीं हो पाया क्योंकि यश सोया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोया। 5 मिनट सोता होगा और मतलब वो पूरे टाइम मेरे साथ चिपट करके ही बैठा था, अगर नीचे उतारो तो रोने लग जाता था। कल तो बहुत एग्जॉस्ट कर दिया उसने मुझे। एक्चुअली में वो खुद परेशान था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको शायद पेन इतना हो रहा है, क्योंकि रात में भी वो सोया नहीं है, मतलब रात में 10-15 मिनट आधा घंटा सोता और फिर एकदम से चिल्ला करके उठता, और अभी भी देखो चिल्ला रहा है, तो वो मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके दांत जो है वो मसूड़े उसके फट रहे होंगे, तो मे बी इस वजह से पेन कर रहा है। तो एक ये अपडेट है, और ये होता है जब टीथिंग होती है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अगर चिड़चिड़े हो रहे हैं, रोना उनको हो रहा है, तो उसका मतलब उनको पेन हो रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और जैसे अगर मुंह में उंगली डाल दो या कुछ ऐसा डाल जाए तो एकदम वैसे करके चबाने लग जाता है वो, तो ये एक सिम्टम है टीथिंग का। तो अभी मैं उसके साथ ही हूँ पूरे टाइम, और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो बस अब मैं जा रही हूँ, 10:45 हो रहे हैं और अब मैं जाएंगे, हम मतलब मैं भी नहा लूँगी, यश को भी नहला दूँगी, और फिर हम जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं उसको आज मतलब फिर दोबारा नहला नहीं पाऊँगी, वैक्सीन के बाद नहलाते नहीं है, मतलब मैं ऐसा करती हूँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा करते हैं कि नहीं करते, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहलाना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं नहलाऊँगी उसको आने के बाद, और प्रॉबेबली मैं कल भी उसे शायद नहीं नहलाऊँगी, तो वो वेदर देख करके उसका मन और कैसा उसका तबीयत कैसी रहती है उस पर। बट मोस्टली ऐसा होता है कि जिस दिन वैक्सीन लगती है मैं उसको नहला के लेके जाती हूँ, और अगले दिन मैं उसको नहीं नहलाती हूँ, और फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन मतलब अगर अच्छा रहता तो कर देती हूँ, नहीं अच्छा रहता तो नहीं करती हूँ, ऐसा रहता है। तो ये है, तो चलो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ आधे 1 घंटे में, ताकि टाइमली सब काम करके आके फिर मैं लंच वगैरह भी प्रिपेयर करूँगी, तो आपसे बाद में मिलती हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करने वाली थी कि हमारी एक फैमिली मेम्बर है यूट्यूब की, शैला पाठक नाम है उनका। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ, शैला जी ये मेरी मम्मी का भी नाम है, शैल और शैला जो भी उनको बोलते हैं। और आपने मुझे सजेस्ट किया था मेरे आयरन सप्लीमेंट या बेबी एनीमिया वाले वीडियो पर, जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ यश के लिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि कीवी खिलाएं। तो फिर मुझे याद आया, उनके मैसेज करने से मुझे याद आया कि हाँ कीवी जो है ना वो आयरन का मतलब अच्छा सोर्स होता है, तो अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आप कीवी खा सकते हो, तो वो मुझे याद आ गया। तो मैंने फिर फटाफट से उसी टाइम पर कीवी मंगाया और आज मैंने यश को खिलाया, और मुझे ऐसा था कि वो शायद ना खाए क्योंकि थोड़ा सा टैंगी होता है वो, मुझे इसलिए खाने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि वो टैंगी में खट्टा नहीं खा पाती हूँ,
बट उसने पूरा कीवी खा लिया, उसको बहुत पसंद आया। आरव को भी इतना पसंद नहीं है कीवी क्योंकि वो खट्टा होता है, बट यश को बहुत पसंद है। अभी फर्स्ट टाइम तो पसंद आया, कई बार क्या होता है बच्चे को फर्स्ट टाइम तो बहुत पसंद आता है फिर बाद में हो सकता ना आए, पता नहीं। बट आज उसने वो कीवी जो है ना काफ़ी इंजॉय करके खाई, आप लोगों ने देखा ही, मैंने तो क्लिप स्टार्टिंग में ऐड कर दी थी, तो थैंक यू। और मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कि आप लोग भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स करते हो, मतलब ये वही है ना कि मैं ऐसे शेयर कर रही हूँ, आप भी शेयर करो आपका एक्सपीरियंस, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। प्लस ये चीज़ उस वीडियो में मैंने नहीं शेयर की थी कि कीवी भी खिला सकते हैं, तो कीवी भी आप खिला सकते हो। तो बाकी लोग जिनको भी आयरन डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है बच्चों में तो या खुद में भी, तो कीवी आप खा भी सकते हो खिला भी सकते हो। तो चलो मैं जा रही हूँ फटाफट नहा करके तैयार होने, यश नहा लुआ है तैयार हो गया है, आरव नहा रहा है, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ, बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम मिला, मैं वहाँ से आई हूँ तब से मुझे टाइम ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि यश ना कल से काफ़ी ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि उसके दांत तो मुझे दिख रहे हैं कि निकल रहे हैं, तो जिस तरीके से वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, और जैसे वो मेरी गोद में आता है ना एकदम कम्फर्टेबल हो जाता है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो चिपका रहे मेरे साथ। मुझे भी उसके साथ वो जो फीलिंग आ रही है ना बड़ी अच्छी आ रही है क्योंकि वो एकदम छोड़ देता है मेरे ऊपर, आते एकदम सब कुछ छोड़ देता है मेरे ऊपर या फिर पापा के पास भी, मतलब किसी एक के गोदी में उसको रहना है, वो भी चिपट करके रहना है, ऐसे नहीं रख सकते हो आप उसको चिपका करके रखो, ऐसा है उसका इस वक्त। कल से हो रहा है, कल संडे पूरा दिन चला गया, मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला था कि 3 बजे मैं वीडियो डालूंगी बट वो हो ही नहीं पाया, आज गया वीडियो क्योंकि फिर वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा था, मतलब बिल्कुल ही नहीं, मैं इतना ही कह सकती हूँ बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहा था। अभी भी वो पूरे टाइम मेरे साथ है, तो मैं आपको आने के बाद कोई अपडेट ही नहीं दे पाई, अभी जस्ट मैं उसे सुला के आई हूँ और वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट ही सो रहा है। अगर मैं उसके साथ उसको चिपट के सो रही हूँ तो वो लंबा सो रहा है, अगर मैं उसे लिटा करके आ जा रही हूँ तो वो उठ जा रहा है, तो और एकदम से सोता है ना और एकदम से बहुत तेज़ चिल्ला करके एकदम, मतलब जैसे बच्चे एकदम बहुत तेज़ नहीं रोते हैं, पूरा मुंह खोल कर गला थोड़ा सा अजीब सा साउंड आता है, उतनी तेज वो रोता है, तो उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसको टीदिंग पेन हो रहा है दांत वगैरह में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कैल्शियम वगैरह मैं उसे दे रही हूँ बट थोड़ा बहुत तो बच्चों को बियर करना ही पड़ता है। हालांकि आरव के साथ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था बट इसके साथ में मुझे हो रहा है, और मैंने ऐसा देखा है कि इसके साथ के अभी जितने भी बच्चे हो रहे हैं ना जो उससे 2 महीने पहले या 2 महीने बाद के हुए, उन सबको लगभग ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। जो आरव के साथ के बच्चे थे मैंने मोस्टली उनका सुना है कि उन्होंने ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं परेशान किया, बट इसके साथ के जितने भी बच्चे हो रहे हैं वो उनको हो रही है प्रॉब्लम, ये मैंने कॉमनली अभी देख मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अपने सराउंडिंग में या यूट्यूब पर भी जो भी। तो आज मैं वैक्सीन कराने गई थी तो मैं, हमारे यहाँ ममता कार्ड रहता है ऐसा, तो इसमें मेंशन करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है, तो मैं ये ले जाना ही भूल गई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि यहाँ पर आप मार्किंग कर लेना डेट की ताकि ट्रैक रख सकें। तो 9 महीना कंप्लीट होने के बबाद ये वैक्सीन लगती है, तो इसमें उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए हैं, एक लगाया है उन्होंने PCV का बूस्टर डोज, एक उन्होंने लगाया है कौन सा आई, तो एक उन्होंने PCV और IPV का बूस्टर डोज लगाया है, एक MMR का मीजल्स का जो होता है तो वो वैक्सीन लगी है, तो ये बेसिकली मीजल्स का लगता है, बाकी तो सब बूस्टर डोज है। तो ये यश को लग गया 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद लगता है ये, तो 9 मंथ यश का कंप्लीट हो चुका है, और इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन लगे 1 महीना हो गया है, तो इस तरीके से हो गया है। अब उन्होंने बोला है कि इसको फीवर आ सकता है या फिर पेन हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं वही पैरासिटामॉल जो है वही देने के लिए बोला है, तो अभी तो मैंने फ़िलहाल दिया नहीं है बट शाम को मैं सोच रही हूँ कि दे दूँगी, क्योंकि अभी तो देखो दिन में चल जाता है, रात में बच्चे क्या सोते हैं तो उनको पेन वगैरह होता है तो नींद टूटती है, तो इसीलिए मैं जब भी वैक्सीन करवाती हूँ ना तो अगर या तो बहुत रो रहा हो बहुत परेशान हो तो मैं पैरासिटामॉल दे देती हूँ, बट अगर वो नॉर्मली सो रहा है या थोड़ा सुस्त है तो फिर मैं पैरासिटामॉल दिन में नहीं देती हूँ, रात में एक बार दे करके उसको सुला देती हूँ ताकि नींद उसकी डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा अच्छे से रेस्ट कर सके। तो ये है, और कल की आपको एक बात मज़ेदार बात बताती हूँ जो मैंने खुद भी कल नया नया इन्वेंट किया, वो ये था कि कल मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए, क्योंकि संडे मैंने कुछ अलग तरीके से प्लान किया था और उसमें से कुछ भी हुआ नहीं, बस पूरे टाइम कभी यश को कभी आरव को देखो, अपना मैं काम बार बार लेके बैठी थी बट वो भी नहीं हो रहा था और कुछ भी नहीं हुआ, मतलब प्रोडक्टिव मेरे अपने पर्सनल सेंस में बोलूँ तो मैं बहुत इरिटेटेड हो गई थी शाम को, फिर मैंने कहा यार मैं तो जा रही हूँ बाहर, मौसम गर्मी आ गई है तो हमारे शाम को मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है, तो बस मैंने यश को उठाया और मैं आरव की कल क्लास भी थी स्केटिंग की तो उसके पापा उसको पिक करने गए, मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ और मैं अब अकेले जा रही हूँ, मेरे साथ अभी मत आना, मेरे को अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप आराम से लेकर के उसको आरव को घर आ जाना।
बोले ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी दूर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, बट हाँ तब भी थोड़ा रिलेटेबल दूरी था, मैं वॉक करके यश को गोद में लेकर के गई। और यश को भी बाहर जाना अच्छा लगता है, मैंने ऐसा नोटिस किया, ऐसे वॉक करो या करो तो वो चीज़ें मतलब देखता रहता है, ऑब्जर्व करता है, शांत रहता है, बाहर जाके बहुत ज़्यादा ऐसे शोर नहीं करता है, देखता रहता है, समझता है सब चीज़ें। तो हम लोग गए कल, तो मैं उसको लेकर के गई वॉक करते हुए, और वहाँ पर मैं गई, मैंने कहा मुझे समोसे, हमारे वहाँ पर जितनी दूर मैं गई वहाँ पर थोड़ा ऐसा चौपाटी जैसा है छोटा सा, तो वहाँ पर समोसे वगैरह आपने देखा ही है, मैं अक्सर जाती रहती हूँ। तो वहाँ गई, फिर मैंने वहाँ पर एक प्लेट समोसा लिया, फर्स्ट टाइम मैं अकेले कभी नहीं मैंने खाया है, बचपन में भी मुझे याद नहीं है मैंने बहुत कभी अकेले ऐसे जा करके कुछ खाया, हमेशा किसी ना किसी को साथ लेके जाती थी। बट मैंने सोचा कि चाहिए चलो मैं यश और मैं एक साथ आए खाने के लिए, और फिर मैंने वहाँ पर एक प्लेट समोसा लिया, चटनी वटनी डाल के बढ़िया से वहीं बैठी, वहाँ एक एक ग्लास गन्ने का जूस मैंने ऑर्डर किया, और वहाँ बैठ के तसल्ली से यश के साथ में, और यश मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा बदमाशी वहाँ नहीं कर रहा था, तो गूगल पे की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पैसे वैसे मैं कुछ भी नहीं, बस मोबाइल लेकर के गई थी, तो गूगल पे वहाँ पर रहता है उन लोगों के पास, तो गूगल पे से मैंने पे किए और आराम से जूस पिया गन्ने का, समोसे खाए। यश भी देख रहा था वैसे, ऐसे थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसे डिमांड कर रहा था कि मुझे भी खिला दो, खा रहे हो पी रहे हो, ग्लास से मैं पी रही थी तो थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, बट गन्ने का जूस तो मैं अभी उसको नहीं दे सकती थी, तो वो तो मैंने नहीं दिया। समोसे का कहीं एक आध, मतलब जस्ट बोलते ना एकदम हल्का सा कण जैसा, वो मैंने कभी कभी उसके मुँह में डाल दिया, सो दैट कि मुझे भी ऐसा फील हो कि मैं उसके साथ आई हूँ, और उसे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ मम्मी कुछ तो दे रही है, बाकी तो पूरा ध्यान फिर वो इधर उधर देख रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसने परेशान नहीं किया। बट इतना अच्छा लगा, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये चीज़ भी मैं कर सकती हूँ और मुझे अच्छा लगेगा। तो वहाँ पर बैठी थोड़ी देर तक, मैंने खाया पिया कुछ भी, और कुछ मैंने किया नहीं, फ़ोन वोन भी नहीं चलाया, खा पी करके फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी देर, ग्राउंड जैसा है तो वहाँ पर मैं बैठी, वहाँ पर बहुत चौड़ा सा ऐसा सीमेंट का बना हुआ है, तो वहाँ पर मैंने यश को छोड़ा नहीं, गोद में बैठाया, तो थोड़ा बहुत वो वहीं पर ही ऐसे अपने हाथ पैर मार रहा था, देख रहा था। फिर एक बूढ़े अंकल आंटी, मतलब थोड़े ज़्यादा बूढ़े से थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनको देख करके ऐसे करने लगा, तो वो लोग साउथ इंडियन थे तो उनको हिंदी नहीं समझ में आती, और वो लोग भी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने यश को थोड़ा बहुत कुछ बोला, तो यश उनको देख के डरा भी नहीं, रोया भी नहीं, और हंसा खूब ज़ोर ज़ोर से हंसा तो वो एक मतलब मोमेंट था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मुझे लगा अरे वाह कितना अच्छा। आधा मतलब 40 मिनट्स करीब मैं वहाँ पर थी, और उसके बाद फिर इनका फ़ोन आ गया कि अब बस बहुत हो गया, अब घर आ जाओ, बहुत देर हो गई अकेले गए हुए। तो फिर मैं वहाँ से आ गई, और मुझे वहाँ से आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि अगर आप भी ऐसा चाहो ना तो कभी ट्राई करके देखना, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये कोई मज़ा आएगा क्या इसको लेकर के जाना, और मतलब क्या ही मज़ा है, लेकिन सच में मज़ा आया बहुत। हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे परेशान कर दे तो फिर मज़ा ख़राब हो सकता है, लेकिन यश ने टच वुड उसने परेशान नहीं किया, वो मतलब मेरे साथ में ही था, और मैं प्रैम लेकर के नहीं गई थी। क्यों नहीं लेकर के गई थी, क्योंकि मेरे को इतना टाइम, मतलब मन ऐसा हो रहा था कि बस अब मुझे जाना है, तो फिर कौन प्रैम निकाले अरेंज करे, पता नहीं मेरा मन उस वक्त ऐसा नहीं था। इन्होंने बोला कि प्रैम लेके चली जाओ, मैंने कब कौन निकालेगा तो ये करेगा, फिर उस पर वो नहीं गया, उसमें उसका मूड ख़राब हो गया, तो फिर मैं कहा प्रैम और उसको गोदी में लेके घूमूंगी, तो छोड़ो मैं गोदी में लेकर ही जितना चल पाऊंगी वहाँ तक जाऊंगी, फिर बैठ जाऊंगी रास्ते में, लेकिन मैं काफ़ी आगे तक चली गई थी। तो ये चीज़ थी, मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी कि ऐसा आप भी कर सकते हो, कभी ट्राई करके देखना, और करना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, कि हाँ मतलब आसपास कहीं ऐसी छोटी सी जगह पे गए अकेले, क्योंकि ना अकेले आप जाते तो आपका ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है, और ज़्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी होती, बस उठे और चल दी और फिर वापस आ गए, और थोड़ी दूरी जाना है ताकि कोई बैग वैग पूरा तैयारी के साथ नहीं जाना है। एट रैंडम आप गए 10-15 मिनट आधे घंटे भी अगर टाइम स्पेंड किया फ्रेश एयर में तो शायद एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप मतलब आप ट्राई करोगे, ट्राई करना चाहोगे या किया है, करोगे कुछ भी, मुझे ज़रूर बताना इस टॉपिक पे आपकी क्या ओपिनियन। तो आज यश को मैं चीज़ ऐसे ही डायरेक्टली एज अ स्नैक देने वाली हूँ। रेसिपीज़ में तो एक दो बार और दे चुकी हूँ, बट आज मैंने सोचा डायरेक्टली स्नैक के तौर पर इसको देती हूँ। उसको पसंद भी आया और इसका मन भी थोड़ा अच्छा हो रहा था शाम को, तो मैंने ये दे दिया। इसने अच्छे से खा भी लिया था। जो स्लाइस आता है ना उसका आधा से थोड़ा कम ही पार्ट बचा था, तो वही मैंने इसको दे दिया था। और दो दिन बाद से आरएफ के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, तो आज मैंने दिन में उसको काफ़ी सारा बोला था पढ़ने के लिए, तो उसने मेरी बात मान के पढ़ाई कर ली थी। तो मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आज डिनर में मैं पूरी सब्ज़ी और खीर बनाऊंगी, तो बस उसी की तैयारी अभी चल रही है। एक साइड में मैंने इसको चीज़ दे दिया खाने के लिए, और एक साइड में मैं अपना डिनर जो है वो भी प्रिपेयर कर रही हूँ। Baby, you give me high.
तो अभी सीजन में पहली बार मैं परवल लेकर के आई थी, तो मैंने दिन में परवल के स्टफ भी बना लिए थे साइड बाय साइड, सब्जी भी मैंने दिन में बना ली थी और खीर मैंने अभी बनाई थी और पूड़ी भी मैंने अभी बनाई थी। तो ये हमारी डिनर थाली थी, बहुत टेस्टी खाने लगता है। गोभी आलू टमाटर की रस वाली सब्जी मुझे बहुत पसंद आती है पूड़ी के साथ में स्पेशली। तो बस अब हम लोग डिनर खाएंगे और आज का दिन इस तरीके का था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।